जरूरी सूचना, 2 दिन में आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जल्दी रिचार्ज कराएं या फिर अपनी माँ चुदाएं। धन्यवाद। हेलो जादू टोना वाले भैया, मैं बिन्नू बोल रहा हूँ। तुम तो बोल रहे थे कि 2024 में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हाँ हाँ बन जाएगा। हाँ तो कब बनूंगा ये तो बता दो, 4 महीने बचे 2024 में। Oh, no. और मैंने तो तुम्हें क्यों बिन्नू, मैंने जो तुझे 2 दिन पहले ऑफिस वाले कपड़े दिए थे वो क्यों पहन के नहीं आता तू? साहब वो धो दिए थे मैंने तो गीले थे। Oh, no. पर गुल्लू तो बता रहा कि तूने उन कपड़ों को बेच के दारू पी ली। साहब गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं बेचूंगा। हेलो मामा, मैंने एक लड़की देख ली शादी करने के लिए, तो तुम बात कर लो यार, कोई लाइन बैठा लो। अच्छा कौन है वो बदनसीब? मेरे पड़ोस में ही रहती है, मकान मालिक की लड़की है। बात बात करती है तेरे से? नहीं मामा, उसका बाप नहीं करने देता। हेलो पप्पू भैया, मैं बिन्नू बोल रहा हूँ। मैंने ना गुल्लू को भेजा तुम्हारी गुमटी पे, तो उसको ना एक सिगरेट की डब्बी दे देना, पैसे मैं दे दूंगा तुमको कल। उधारी में कुछ नहीं मिलेगा, उधारी बंद है। अरे पप्पू भैया दादी कसम खा रहा हूँ, अगर पैसे तुम्हारे कल के कल नहीं लौटाऊं तो। मुझे पता है मेरी बीड़ी का बंडल तू अपनी लुंगी में छिपा कर लेके आया है, जल्दी निकाल। हे राम, ये बुढ़ा सटी आ गया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। सेठ जी आपके डोकरा डोकरी की कसम, मैंने नहीं चुराया आपके बीड़ी का बंडल। ऐसी बात है तो चल लुंगी खोल के। सुन रही, आज के बाद ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों क्या हो गया? पूरे 150 रुपए की मौसम्बी लेके गया था, शर्म नहीं आई तेरी अम्मा को 100 रुपए देते हुए? हे भगवान, तुम मुझे लेने गए थे या फिर अपनी मौसम्बी बेचने? बिन्नू नीचे मोहल्ले में बहुत जम के लड़ाई हो रही है, जाके समझा यार। अरे अम्मा चुरन ने माँ के लबड़ों को मरने दे। पिछली बार गया था झगड़ा बंद कराने, माँ के लंडों ने 5 डंडे मेरे भी मार दिए, अभी भी पीठ में दर्द होता भाई।